हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आपको लाइव चैनल में। एंड दोस्तों, आज मैं आपको कुछ सेफ्टी टिप बताने वाला हूँ हीटर के बारे में, कि कैसे आप एक्वेरियम का हीटर यूज़ करें। क्योंकि मैक्सिमम सब लोग न्यू एक्वेरियम हॉबी सोचते हैं, जो उनके हीटर तो किंग चलाते हैं, लेकिन उनके हीटर क्या होता है, ब्रेक हो जाते हैं। बहुत सारे रीज़न है, मैं आज कुछ रीज़न आपके साथ शेयर करूँगा कि क्यों आपके हीटर ब्रेक करते हैं। तो वीडियो बने रहिए और देखते रहिए एक लाइव चैनल। दोस्तों देख सकते हैं, ये मेरा एक हीटर है, ग्लास हीटर। ये जो हीटर है मेरा एक आर एस इलेक्ट्रिकल का है, देख सकते हैं। और ये इसका जो वॉट है, ये मेरा 150 वॉट का है। वीडियो बने रही है, मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सा हीटर कितने फिट का टाइम में यूज़ करना है, जिससे आपको हीटर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं कुछ सेफ्टी टिप्स यूज़ बताना चाहता हूँ। पहले मैं बताऊंगा कि क्यों हीटर ब्रेक करते हैं। सबसे पहले रीज़न बोलूँगा, हीटर ब्रेक करने का पहला कारण क्या है, जितने भी न्यू एक्वेरियम हॉबीज होते हैं, वो क्या करते हैं, हीटर को वर्टिकली लगाते हैं। हीटर को वर्टिकली माने ऐसे लगाते हैं, कोई कोई वर्टिकली लगाते हैं इस तरीका से, और कोई कोई क्या करते हैं हॉरिजॉन्टली लगाते हैं इस तरीका से पूरी तरीके से। ये दो रीज़न है जिसके कारण क्या होता है, हीटर ब्रेक करता है। मैं जब मेरा वीडियो देखेंगे कि मैं जब भी हीटर यूज़ करता हूँ, उसे मैं 45 डिग्री या 60 डिग्री के एंगल में रख के यूज़ करता हूँ, जिसके कारण मेरा हीटर ब्रेक नहीं करता है। मैं एक हीटर यूज़ कर रहा हूँ अपने टैंक में, 2 फीट का टैंक में, जो मेरा हीटर 2 साल चल रहा अभी तक ब्रेक नहीं किया है, इसी कारण है। और दूसरे रीज़न होते हैं हीटर ब्रेक करने का, कि ये कितने लोग क्या करते हैं, ये कैप यूज़ नहीं करते। ये कैप दिया गया है आपके सेफ्टी के लिए, शॉपकीपर ने जो भी आर एस इलेक्ट्रिक ने बनाया है आपके सेफ्टी के लिए बनाया, ताकि आपके जो हीटर है वो क्रैक ना करे। क्या होता है, जब भी मैं हीटर एक्वेरियम में पुट करूँगा, तो ये क्या होंगे, इसमें अगर नीचे का पोर्शन में क्रैक लग, अगर ये जो स्टोन है नीचे का इस पोर्शन में स्टोन लगेगा, तो ये क्रैक करेगा, अंदर से लाइनें आ जाएंगे, और एक बार हीटर ऑन करने के बाद ये गर्म होंगे और भी ज़्यादा क्रैक हो जाएंगे, आपका हीटर खत्म हो जाएगा, बर्बाद नष्ट डैमेज हो जाएगा। तो ये दूसरा रीज़न होता है कि ये क्यों ब्रेक करता है। तीसरा रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेक करने का, कि ये कोई भी जो न्यू एक्वेरियम हॉबीज होते हैं, जब भी हम लोग बोलते हैं कि वाटर आपने एक्वेरियम का वाटर 20% चेंज करे, 15% चेंज करे, 30-50 कुछ भी जितने परसेंट भी चेंज करते, तो वो एक हॉबीज करते हैं कि उनके एक्वेरियम में तो ये हीटर लगा रहता है, लेकिन वो करते क्या है, अपने हीटर को ऑन रखते हैं और पानी को चेंज करते हैं, पानी निकालते हैं फिर पानी डालते हैं। इसके कारण क्या होता है, एक्वेरियम का पानी में टेम्परेचर में चेंजेस आता है और हीटर ऑन रहता है, जिसके कारण हीटर का ग्लास में भी चेंजेस आता है टेम्परेचर में, और हीटर क्रैक कर जाते हैं, इनके अंदर लाइनें आते हैं और ये क्रैक कर जाते हैं। दूसरा रीज़न क्या होता है, वो जब भी हीटर पानी चेंज करते हुए एक्वेरियम को हीटर को क्या करते हैं, फट से निकाल देते हैं, मतलब पानी जैसे ये ऑफ किए, ऑफ करके हीटर को निकाल देते हैं। ये भी दूसरा रीज़न होता है, जैसे हम हीटर को बाहर निकालेंगे, इसे ऑफ करने के बाद ये कुछ समय तक ये गर्म रहता है, हीटर का जो ग्लास है ये पोर्शन पूरा कुछ समय तक ये गर्म होता है। गर्म होने के कारण क्या होगा, ऐसे इसे बाहर निकालेगा तो ये भी उसके बाद भी क्रैक करेगा। तो मेक श्योर जब भी अपना हीटर ऑफ करके ऑन करे, तो इसको करीब 1 घंटा या 30 मिनट्स इसे ऑफ करके छोड़ दे, जिसके कारण इसका ग्लास जो ये ठंडा हो जाए, तब इसे बाहर निकाले। ये तीसरा रीज़न था। और चौथा रीज़न भी यही है कि कितने लोग क्या करते हैं, न्यू एक्वेरियम हॉबीज इसका जो नॉब दिया है, जो टेम्परेचर रेगुलेटर दिया है, वो क्या करते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है वो क्या करते हैं, इसको ऑफ कम ज़्यादा बेस कम इंक्रीज डिक्रीज करते रहते हैं। कभी जैसे टेम्परेचर ठंडा ज़्यादा ठंडा हो गया, तो वो क्या करेंगे, इसको 32 पर ले आएंगे, और ज़्यादा ठंडा हो 34 पर ले आएंगे, या फिर और अगर टेम्परेचर हम लोग का अगर एनवायरमेंट का टेम्परेचर अगर बढ़ गया, तो वो क्या करेंगे कि इसको टेम्परेचर कम करेंगे। इस नॉब को ज़्यादा यूज़ ना करें, ये नॉब आप एक फिक्स कर दें, क्योंकि ये जो एक्वेरियम हीटर, ये ऑटोमेटिक एक्वेरियम हीटर है, इसे आप 28 या 30 के बीच में इसे रख दें। ये ऑटोमेटिक ही, जैसे आपका हीटर एक्वेरियम का वाटर गर्म होगा, ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाएगा, आपको इसे कुछ इसके नॉब को छेड़छाड़ नहीं करना है। दूसरा रीज़न उसके बाद तो ये, और फोर्थ रीज़न है सही तरीके का हीटर नहीं खरीदना। सही तरीके हीटर नहीं खरीदना मतलब अपने एक्वेरियम का साइज बिना जाने पहचाने आप हीटर खरीद ले आते हैं। आपके एक्वेरियम का साइज 4 फीट है या 3 फीट है, और आप अपने हीटर कोई भी साइज का ले आए बिना शब्द व सब कुछ है, आपने मर्जी का 100 वॉट 200 वॉट हीटर ले आए। तो मैं आपको बोला था कि मेरे वीडियो में बने रहिए, मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपने पता लगाएं कि कौन सा हीटर मेरे लिए कौन सा। तो मैं जब ये हीटर खरीद कर लाया था, तो इसमें अच्छी तरीके से मेंशन होता है कि कौन सा कितने हीटर के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा इसे फोकस करूँ, देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि आपके कितने तरीके, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ कि 20 लीटर का अगर आपका टैंक है, तो उसमें आप 25 वॉट का हीटर यूज़ करें। अगर आपका
100 लीटर का है तो 100 वॉट यूज करें, 150 लीटर में भी 100 वॉट ही यूज करेंगे, 200 लीटर में भी 100 वॉट यूज करेंगे। अगर आपका 250 वॉट 250 लीटर का टैंक है तो आप उसमें 200 वॉट यूज करेंगे। इसे मैं जो यूज कर रहा हूँ ये 150 वॉट का यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा टैंक जो 3 फीट का टैंक है तो मैं इसमें 150 वॉट का यूज करता हूँ। नीचे भी मेरा एक टैंक है, नीचे का जो टैंक है मैं आपको दिखा देता हूँ। नीचे का जो टैंक है इसमें मैं यूज कर रहा हूँ 100 वॉट का हीटर क्योंकि ये 2.5 फीट का एक्वेरियम है, 2.5 फीट का एक्वेरियम है, इसलिए मैं इसमें 100 वॉट का हीटर यूज कर रहा हूँ। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि हीटर खरीदने टाइम आप शॉपकीपर को बोल दे कि मेरा इतने साइज का टैंक है, इतने लेंथ है, इतने ब्रेथ है, उसके अकॉर्डिंग आपको हीटर दें क्योंकि हीटर का कुछ रेंज है। जैसा कि अगर आप 100 से 200 तक या 300 तक लेंगे तो आपका प्राइस ना तो कमेगा ना ही बढ़ेगा, उतना रहेगा। उसके बाद 300 से ज्यादा अगर आप हीटर लेते हैं तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो ये कुछ सेफ्टी टिप्स है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा।